بسم الله الرحمن الرحيم अभी हुआ जो रवान का गिर लेके सफर में था राह गिर जैसा। आइए आप सामने मैं मोहम्मदाबाद से तशरीफ लाया हुआ एक नौजवान शायर जनाब नवाजिश मोहम्मदाबादी से कहा कि नवाजिश जिद है कि तुम शायरी में अपने अखलाक से बड़े हो, अगर सच है तो सुना दो बस एक शेर मीर जैसा। माइक पर जनाब नवाजिश मोहम्मदाबादी अपने खूबसूरत कलाम के साथ। देखिए मैं आपसे बार बार ऐलान कर रहा हूं कि जरा फर्श पे बैठ जाएं। हमारे अली चेयरमैन साहब भी इस बात को कह रहे हैं, मेरी बात की तायद कर रहे हैं। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि वो आम दो रफ्त का मामला है, मकानात है उसमें आना जाना है। आप लोगों की वजह से डिस्टर्बिंग हो रही है, कुछ लोग उधर रुके हुए हैं जो आपकी वजह से नहीं आ रहे इस रास्ते पे। आपसे मेरी गुजारिश है सामने आ जाए और लुत्फ ले इस मुशायरे का। दोस्तों जरा सा आ जाए मेरे भाई। ओ भाई क्या सोच रहे हैं, अरे आप तो आ जाइए वहां से। जरा सा कमेटी के लोग इन लोगों को यहाँ आगे बैठा दें, इतना अच्छा इंतजाम माशाल्लाह किए हुए हैं। अब बैठ जाएंगे तो एक खूबसूरत इस मुशायरे के वकार का अंदाज होगा। मेरे दोस्तों मेरी गुजारिश है आपसे मुअद्दबाना अदब के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बैठ जाएं। आइए आपके सामने नवाजिश मोहम्मदाबादी। शोरा इकराम आप समय हजरात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखिए चूंकि बहुत ही हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा को आपने अपने सरजमीन वलीदपुर में दावत दी, मैं आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ एक कलाम पढ़ूंगा और आप लोग मन से सुन लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए किसी भी प्रोग्राम को सक्सेस करने में सबसे बड़ा हाथ होता है डाइस वालों का। अगर डाइस वाले नजरअंदाज करेंगे तो आप सामने हजरात भी नजरअंदाज करेंगे। पेश करता हूं जी कसम खुदा के वो मंजर अजीब होता है। अरे वाह क्या अंदाज छेड़ा है भाई, सुभान अल्लाह, अच्छा है नवाजिश। वाह कसम खुदा की वो मंजर अजीब होता है, उन नजर से जब के मदीना करीब होता है। जो लोग मदीने शरीफ की ज़ियारत करके आ चुके हैं उनके हवाले से ये दो शेर। अकमल भाई लास्ट मिसरे पे आपको मैं दोस्तों हूं, आप जुड़िए मेरे साथ। जी बिल्कुल। कि कसम खुदा के वो मंजर अजीब होता है, उन नजर से जब के मदीना करीब होता है। हयात रोज़े क्या बात है भाई, वाह 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 कहना कि हया हया ते रोज़ है अपने दस का उनके क्या कहना, जो देख आता है वो खुश नसीब होता है। अब यहाँ से एक मुकम्मल कलाम शरीफ पेश करता हूँ बतौर खाते देखिएगा कि एक बाहर मदीने में एक बार एक बाहर मदीने में हो जाए मेरा जाना, एक बाहर मदीने में हो जाए मेरा जाना, फिर और न कुछ मांगे सरकार का दीवाना, क्या बात है, फिर और न कुछ मांगे
सरकार का दीवाना, मैं हूँ सरकार का दीवाना, मैं हूँ सरकार का दीवाना। दुआओं के साथ कि पल पल मेरा दिल तड़पी है, कि पल पल मेरा दिल तड़पी है, दिन रात करे कहरी है, पल मेरा दिल तड़पी है, दिन रात करे कहरी है, कब आऊं मदीने में वो आए मेरी बारी, कि दिन रात पल मेरा दिल तड़पे है, दिन रात करे कहरी है, कब आऊं मदीने में कब आए मेरी बारी, कब जाके मैं देखूंगा, कब जाके मैं देखूंगा दरबार वो सरकार का दीवाना, सरकार का दीवाना, एक बार मदीने में हो जाके मेरा जहाना, फिर और कुछ मांगे सरकार का दीवाना, और इतनी सी तमन्ना है, कि इतनी सी तमन्ना है, हो जाए अगर पूरी, जा देखूं मदीना में हो जाए ये मंजूरी, इतनी हिस्सा मनमना है, हो जाए अगर पूरी, जहाँ देखूं मदीना में हो जाए ये मंजूरी, बिन दीद के ये शाह, बिन दीद के ये शाह, मर जाए न दीवाना, सरकार का दीवाना, मैं हूँ सरकार का दीवाना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जहना, फिर और न कुछ मांगी सरकार का दीवाना, कि इस आस पे जीता हूँ, इस आस पे जीता हूँ, एक रोज बुलाएंगी और गुंबद खजरा का दीदार कराएंगे, इस आस पे जीता हूँ, एक रोज बुलाएंगे और गुंबद खजरा का दीदार कराएंगे, फिर पेश करूंगा मैं, फिर पेश करूंगा मैं अशकों भर नजराना, सरकार का दीवाना, एक बार मदीने में। वालेकुम अस्सलाम हजरत।